Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the MCQs series of direct taxes. Simultaneously, we are starting, as you have already seen, the MCQ series of financial accounting. So financial accounting ke lessons अभी मैंने दो upload किए हैं. आप mock test को जरूर देखें, उससे आपके financial accounting semester 5 के काफ़ी सारे basic चीज़ें clear हो जाएगी और आपको objectives answer करने में बहुत benefit उससे मिलने वाला है. तो अभी हम simultaneously tax के भी MCQs start करने वाले हैं और ये है हमारा mock test 1. तो आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे जैसे मैं लेसन्स डालूंगा वैसे उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा. और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनका भी जो बेसिक चीज़ों से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव्स के लिए उनको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और इतने बेसिस पे ही आप उनके ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज असेसमेंट ईयर कैन बी, द ऑप्शंस आर मोर देन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है. असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है. तो इट स्टार्ट्स विथ 1 अप्रैल और एंड्स विथ 31 मार्च. तो आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 12 मंथ्स का होगा. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12 मंथ्स. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. प्लैटिनम मेटल्स नेकलेस इज डैश असेट, करंट असेट, फिक्स असेट, कैपिटल असेट, नन ऑफ द अबव. तो प्लैटिनम मेटल नेकलेस जो है वो करंट असेट नहीं है, फिक्स असेट नहीं है, वो कौन सा असेट है? वो कैपिटल असेट है. तो कैपिटल गेन वाला चैप्टर जो है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज कैपिटल असेट्स. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द लीगल स्टेटस ऑफ मिसेस मोना इंडियन क्रिकेटर इज एन इंडिविजुअल, अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अ स्पोर्ट्समैन, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे और वो लिखेंगे स्पोर्ट्समैन, बट इसका राइट आंसर स्पोर्ट्समैन नहीं है. द लीगल स्टेटस ऑफ मिसेस मोना इंडियन क्रिकेटर इज एन इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इंडिविजुअल याद रखना, द लीगल स्टेटस ऑफ मिसेस मोना इंडियन क्रिकेटर, बिकॉज सिंगल पर्सन, दैट इज व्हाई इट इज इंडिविजुअल. फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. एवरी असेसी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन असेसी, एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी एंड इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन असेसी, नन ऑफ द अबव. तो एवरी पर्सन इज एन असेसी अगर बोल रहा है तो एवरी असेसी इज अ पर्सन अगर क्वेश्चन में बोला है तो इसका राइट आंसर बन जाएगा एवरी पर्सन विल ऑल्सो बी एन असेसी. तो राइट ऑप्शन इज एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन असेसी. अगर कोई असेसी एक पर्सन है तो उसी का उल्टा एक पर्सन भी असेसी हो सकता है. तो दैट इज ऑल्सो एन पॉइंट रिलेटेड टू योर क्वेश्चन नंबर फोर. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म इनकम इंक्लूड्स डैश इनकम. तो इनकम के अंडर इनकम का डेफिनेशन है, इनकम के अंदर कौन से पॉइंट कवर होते हैं, लीगल, इलीगल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. तो लीगल इनकम तो कवर होगा ही होगा, इलीगल भी बिजनेस इनकम का या इनकम का पार्ट है. तो इसके राइट आंसर दोनों है, लीगल भी और इलीगल भी. तो राइट ऑप्शन विल बी बोथ ऑफ द अबव. तो बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, नन ऑफ द अबव. तो अभी अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन को एग्जेम्प्ट किया है सेक्शन 10 सिंगल ए के सेक्शन में. कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है मंथली पेंशन. तो कम्यूटेड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फुली एग्जेम्प्ट, फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय रहेगा तो उसमें कंडीशंस आते हैं, दोज रिसीविंग ग्रेचुएटी, दोज नॉट रिसीविंग ग्रेचुएटी. बट फिलहाल कम्यूटेड पेंशन बोला है तो कम्यूटेड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्ट. तो राइट आंसर इज एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 इज एप्लीकेबल टू असेट्स एक्वायर्ड prior to 1 April 2001, acquired after 1 April 2001, sold prior to 1 April 2001, all of the above. तो right answer for this is acquired prior to 1 April 2001. तो 1 April 2001 के पहले जो भी assets हमने acquired किए हैं उसके लिए जब हम cost of acquisition calculate करेंगे तब cost of acquisition calculate करते वक्त उसका एक्चुअल प्राइस और एफ एम वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर कंसिडर किया जाएगा. तो सी ओ ए
इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके लिए ये रूल यूज होता है कैपिटल गेन के चैप्टर में, दैट इज एक्वायर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल, ऑल असेसीज इंडिविजुअल एंड HUF ओनली HUF. तो 80CCC ऐसे सारे सेक्शन से डिडक्शन से रिलेटेड. सो 80CCC का जो सेक्शन है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन प्लान और पेंशन फंड, ये सिर्फ इंडिविजुअल को ही अलाउड है. तो इसका राइट आंसर है एन इंडिविजुअल. तो एन इंडिविजुअल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टैक्स इज अलाउड वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, डैश टैक्स इज अलाउड वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, GST, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और VAT. तो डैश टैक्स इज अलाउड वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम. तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज सम स्टूडेंट्स इसको GST टिक मक करके आएंगे. VAT और सर्विस टैक्स तो अभी रहा ही नहीं, बिकॉज दैट इज बीन सबसूम इनटू GST. बट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनकम टैक्स. तो डैश टैक्स इज अलाउड वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, इनकम टैक्स. GST इज अ टैक्स अप्लाइड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. तो जितने भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर या सोल्ड करेंगे या सर्विसेज को देंगे, उसके ऊपर GST लगेगा. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इनकम टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन डैश. तो अभी ये सेक्शंस के लिए आपको एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10 का थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा. उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो भी देखें. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एग्जेम्प्शंस को हम किस तरीके से याद रखें. तो एग्जेम्प्शंस अगर आप याद रखोगे तो आप काफी सारे क्वेश्चंस वैसे ही आंसर कर लोगे. तो इसमें अगर आपकी एग्जेम्प्शन क्लियर है तो आपको ऑप्शंस की भी कोई जरूरत नहीं. तो 10-1, फिर 10-2, 10-5, 10-10, मैं सारे एग्जेम्प्शन बताता हूँ. 10-1 एग्रीकल्चर इनकम है, 10-2 हमारा सेक्शन है HUF का, 10-5 है लीव ट्रैवल कंसेशन और 10-10 हमारा सेक्शन है ग्रेच्युटी का. तो यहाँ पे पूछा गया है शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10-2. तो 10-2 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का. 10-2 इज शेयर ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. और 10-2A थोड़ा सा अलग सेक्शन, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म होता है. तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बन जाता है हमारा 10-2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिडक्शन ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. देखो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बहुत सारे पेपर्स में ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो किसे मिलता है. तो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है. प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा. लेकिन आपको इसमें एक दूसरा क्वेश्चन एक साल पूछा गया था कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है. तो आपको दूसरा आंसर भी बता के रखता हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना होगा, डिडक्शन कितना मिलेगा, 5000. तो 5000 रुपीज इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर द एंटरटेनमेंट अलाउंस. तो एंटरटेनमेंट अलाउंस इज द डिडक्शन गिवन ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय विल नॉट गेट दिस डिडक्शन एंड द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल इज रुपीज 5000. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पेमेंट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी डैश. तो 80D का सेक्शन जो है वो भी आप ध्यान से ये सेक्शंस को कीजिए. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो आपने एग्जेम्पशन और डिडक्शंस की वीडियोस को ध्यान से देखना है. वो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, दोनों को आप चेक करें सो दैट आपके एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 एज वेल एज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है दोनों क्लियर हो जाए. तो देखो जो 80D का डिडक्शन है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का होता है. अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब जो अगर 60 इयर्स के ऊपर जिसका एज है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डिडक्शन का अमाउंट रखा है 50,000 रुपीज. अगर कोई इंसान 60 इयर्स से नीचे है तो उसके लिए अमाउंट रखा है 25,000 रुपीज. तो आपको ये दोनों अमाउंट याद रखना है. कभी कभी लिमिट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में. सो इफ द पर्सन इज अबाउ 60 ईयर्स, ही इज अ सीनियर सिटीजन, देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज 50,000 एंड बिलो 60 ईयर्स टू 25,000. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन अलग है,
कि पेमेंट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी पेड इन कैश चेक बाय एनी अदर मोड अदर देन कैश और नन ऑफ द अबव. तो थोड़ा देख लेते हैं कि आपको याद रखना है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है वो कभी भी कैश में हम पे करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश और चेक भी नहीं चलेगा, चेक ही होना चाहिए. लेकिन आजकल डिजिटल पेमेंट से भी हम पे कर सकते हैं, वो भी चलेगा. तो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन रहा है बाय एनी मोड अदर देन कैश. तो कैश को छोड़ के बाकी कौन सा भी मोड अगर हम यूज करेंगे तो वो चल जाएगा. तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाय एनी मोड अदर देन कैश. तो यही थे आज के क्वेश्चंस. तो ये आपको सीरीज कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, सो दैट ऑब्जेक्टिव्स का कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस आपको नहीं करना पड़े. बिकॉज यूजुअली हम ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते ही नहीं है, हम बाकी सारी चीज़ों को ही पढ़ते रहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को हम इग्नोर करते हैं. बट अगर आप ये वीडियोस को भी ध्यान से देखें, लेसन्स को भी ध्यान से देखें, सो दैट आपके बेसिक्स जो है वो भी क्लियर हो जाए. मैं सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट इससे रिलेटेड कोई भी MCQ अगर पेपर में आए तो आपका इजिली वो MCQ राइट हो जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर ले. नेक्स्ट बार मिलेंगे, अगले बार मिलेंगे नए लेसन्स के साथ, नए MCQs के साथ. टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर.